अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं यहाँ मार्केट पुलिस स्टेशन आया था, यहाँ पर हमने फरियाद भी दर्ज की गई है, लिहाजा माल मारुति थाने के लिए भी उन्होंने हिदायत वहाँ पर भेजे है। दरअसल हमने कल एक वीडियो बनाया था और हमने किसी मसलक या किसी मौलाना का नाम लेकर नहीं बनाया था, उसके बावजूद भी कुछ फ़ोन्स आए जिसका हैरेसमेंट किया, कुछ लोगों ने धमकी भी दी, लिहाजा हमें आज ये फरियाद करना ज़रूरी था क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल है। आप न्यूज़ चैनल पर एतराज़ करते तो आप भी कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इत्तेहाद न्यूज़ का लोगो लगाकर इसका बायकॉट करें और इसको ना देखें, अनसब्सक्राइब करें, इस तरह की बातें उन्होंने कही है और कुछ लोगों ने हमें धमकी भी दी है। तो लिहाजा हम कुछ नंबर्स यहाँ पर पुलिस स्टेशन के पास आए हैं और उन्हें यहाँ पर हमने दिया हुआ है और हमारी आगे की कार्रवाई होगी और वो उस पर, क्योंकि इस पर जो डिज़ाइन बनाया हुआ शख्स से लेकर इसको वायरल करने तक कितने लोग और भी हैं, इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है और जल्द हमें वो इत्तला देगी ऐसा बताया है। इत्तेहाद न्यूज़ पहले से ही सामाजिक खिदमत अंजाम देता आया हुआ है, मिल्लत के अंदर इत्तेहाद की कोशिश कर रहा है। एक छोटी कोशिश है, हम कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, लेकिन कुछ लोगों को इस पर एतराज़ क्यों है ये मेरी समझ से बाहर है और हमेशा हमने जोड़ने की कोशिश किया। मैं फिर एक बार कहता हूँ, किसी मसलक को लेकर हमने कोई तौहीन आमोज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें आ रही हैं, जबकि हम हमेशा कम्युनिटी की ताउन के लिए, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त इत्तेहाद न्यूज़ को लेकर एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें इत्तेहाद न्यूज़ को बैन करने की बातें कही जा रही है। ये किसने किया है, किसकी जानिब से है, इसमें कोई नाम वगैरह नहीं है, बस एक ऊपर एक कुछ संगठना का नाम लिखा है जो कि फेक है और आज ही इसको क्रिएट किया गया है। दरअसल मीडिया का एक अपना एक फ्रेम हुआ करता है, उसके दायरे में रहकर जो बात पेश की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल उसको राइट होता है, तो वो काम इत्तेहाद न्यूज़ ने किया है। और जिस तरह आप जानते हैं कि उर्दू मीडिया के ज़रिए हम हमेशा कौम और मिल्लत की फलाह बहबूदी चाहते हैं, कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसे में इकबाल जकाती जो इत्तेहाद न्यूज़ के एडिटर हैं, इन्होंने कल एक न्यूज़ बनाई थी जिसमें फारूक खान रिजवी का एक बयान का क्लिप उन्होंने दिखाया था जिसमें वो कह रहे हैं कि फलां मसलक के पीछे नमाज नहीं पढ़ना है, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना है, उनसे कोई खरीदो फरोख्त नहीं करना है, यहाँ तक कि रिश्ता तक नहीं देना है, लड़कियों को उनके घर नहीं देना, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो इस क्लिप को दिखाकर इकबाल जकाती साहब ये बताना चाहते थे कि आज जिस तरह के हालात हैं जहाँ उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, ऐसे में आपस में इत्तेफाक नाइत्तेफाकी पैदा करने वाले बयानात आप मिंबर रसूल पर से इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं है। इस वक्त हमें आपसी नाइत्तेफाकियों को परे रखकर उम्मत को एक जगह पर आना होगा, ये मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ अपलोड होती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू होता है और इसको अलग दिशा देने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो पोस्ट इन्होंने वायरल की इत्तेहाद न्यूज़ को लेकर, वहाँ पर यह लिखा गया है कि अहले सुन्नतुल जमात के खिलाफ इकबाल भाई ने गालियाँ दी हैं, बुरा भला कहा है। जबकि उस पूरी न्यूज़ क्लिप को आप देखेंगे जो अभी तक फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ कहीं पर गालियों का जिक्र नहीं है, सुन्नतुल जमात का जिक्र नहीं है, किसी खास मखसूस जमात का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ तक कि जो मौलाना बयान करें उनका भी नाम उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन एक मैसेज जो उम्मत को जोड़ने का है वो देने की कोशिश की गई है, तो उसको समझने के बजाय यहाँ पर गलत इस तरह से एक पोस्ट बनाना और उसको वायरल करना, मीडिया के खिलाफ आवाज़ उठाना, वैसे भी बेलगाम में कितने चैनल हैं उंगलियों पर गिनकर दो या तीन उर्दू चैनल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उस पर आप ही हमारे मुखालिफत में खड़े होकर हमारे चैनल्स को बंद करने की बातें करेंगे, इस तरह के पोस्ट बनाकर वायरल करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। आप हज़ारों अच्छे काम किए, हज़ारों बुरे वक्त में कौम और मिल्लत के हक में इत्तेहाद न्यूज़ ने आवाज़ उठाई, यह आपको नज़र नहीं आता, बस एक छोटे से क्लिप को लेकर आप इस तरह के हरकतें करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा आज पूरे उर्दू सोशल मीडिया एसोसिएशन की जानिब से, उर्दू जर्नलिस्ट की जानिब से मार्केट पुलिस स्टेशन पहुंचकर हमने शिकायत दर्ज की है, इस पर कार्रवाई होगी। जिसने ये पोस्ट डिज़ाइन की है और किसने वायरल की है इसकी तफ्तीश इस वक्त पुलिस कर रही है, तो हम यही बताना चाहते हैं कि इत्तेहाद न्यूज़ को लेकर जो भी पोस्ट वायरल हो रही है वो गलत है और इसकी हम मजम्मत करते हैं।